प्रतीकात्मक तस्वीर। सैन फ्रांसिस्को प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वोजनियाक ने डाटा लीक की समस्या से जूझ रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को अलविदा कह दिया है। उन्होंने वेबसाइट की निजता से जुड़ी खामियों के विरोध में अपना अकाउंट बंद करने की घोषणा की। यूएसए टुडे को भेजे ईमेल के जरिए वोजनियाक ने कहा है कि फेसबुक उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारियों के जरिए विज्ञापन से बहुत अधिक रुपए कमाता है। यह भी पढ़ें, फेसबुक डाटा लीक। एप्पल के टिम कुक का जुकरबर्ग पर तंज, में कभी ऐसे हालात में नहीं होता। उन्होंने कहा है, लाभ लोगों की जानकारियों पर आधारित होता है, लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा, एप्पल आपको अच्छे उत्पाद देकर रुपए कमाता है, आपसे नहीं। वीडियो, क्या आप डेटा चोरी का मतलब समझते हैं? गौरतलब है कि फेसबुक के खिलाफ आवाज उठनी तब से शुरू हुई जब कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा लीक सामने आया। इस एजेंसी ने फेसबुक के करोड़ों यूजर्स का डाटा फेसबुक से ही लेकर गलत तरीके से लीक किया, जिसके बाद प्राइवेसी पर लेकर सवाल उठे और कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ी। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।